नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोवॉइज पे। सुजलन एनर्जी के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? सुजलन एनर्जी का शेयर जो है, बोल सकते कि इसको एक जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फिर भी शेयर में गिरावट बन रहा है। तो सुजलन एनर्जी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिला अभी कुछ दिनों में, फिर भी शेयर में गिरावट बन रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि शेयर का प्राइस यहाँ से तेजी बनाएगा, 60-65 तक ये शेयर पहुंच सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे दोस्तों, सुजलन एनर्जी में क्या चल रहा है, शेयर का प्राइस अभी क्या है, और मतलब अभी जो है 44 के आसपास चलो तो ये सही है क्या, और टेक्निकली शेयर कैसा है, क्या हम लोग इसमें खरीदारी कर सकते हैं सुजलन एनर्जी के शेयर में, डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे अपडेट से बहुत सारे चीज चल रहा है सुजलन एनर्जी में, इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। तो सुजलन एनर्जी का जो शेयर है ये एएसएम में चल रहा है अभी, शेयर जो है सुजलन एनर्जी का एएसएम में चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है नजर रखा जा रहा है एक्सचेंज की ओर से कि शेयर में कुछ गलत ना हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनको कुछ शेयर में जो है गिरावट वगैरह बनता हुआ देखने को मिले, तो वो आप ध्यान रखिए। शेयर अभी एएसएम में, एक दिन में सुजलन एनर्जी के शेयर में 1.8% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में, 0.8% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक महीने में देख सकते हैं 2.8% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है सुजलन एनर्जी के शेयर में। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं जो कि 55 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 7.2 है आउट ऑफ 7.20 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम 67.10 है आउट ऑफ 100। सुजलन एनर्जी का शेयर का हम लोग एक महीने का डिटेल्स देख रहे हैं, जहां पे एक महीने में जो इसने एक हाई प्राइस बनाया है वो 50.60 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया है 41.05 पैसे का। एक हफ्ते का जो हाई प्राइस है 46 रुपीस का, और जो लो प्राइस है 41.05 पैसे का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं सुजलन एनर्जी का, जो कि 60,296.6 करोड़ का है। प्राइस टू बुक रेशियो 54 है, जो कि इस इंडस्ट्री में ज्यादा है दोस्तों। टेक्निकली शेयर कैसा है? टेक्निकली जो है सुजलन एनर्जी का शेयर एक बुलिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। वही आरएसआई इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बोलते कि न्यूट्रल लेवल पे जो है चल रहा है। सुजलन एनर्जी का दोस्तों अभी यहाँ पे बीएससी और एमएससी मिला के शेयर का इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि जो एवरेज देखने को मिल रहा है एक दिन का बीएससी और एनएससी का, जो बीएससी और एनएससी का जो एवरेज आप देख सकते हैं 120.5 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 100% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 120.5 मिलियन का है। एक हफ्ते का बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 49.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 100% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 49.9 मिलियन का है। एक महीने का बीएससी एनएससी मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 86.4 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 61.8% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 53.4 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज उतना ही है, डिलीवरी वॉल्यूम जो आपके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, प्रोमोटर्स के पास ज्यादा स्टेक्स नहीं है सुजलन एनर्जी का, जो की 13.29% का स्टेक जो है प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस के पास 17.83% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 1.33% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 4.83% का स्टेक है, पब्लिक के पास 62.74% का स्टेक है। अभी सुजलन एनर्जी का थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग शेयर में क्या चल रहा है। सुजलन एनर्जी को दोस्तों यहाँ पे जो है बोल सकते हैं, देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ा जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सुजलन एनर्जी को कंपनी जो है यहाँ पे गुजरात से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अभी ये शेयर में जो है एक तेजी बनना चाहिए, क्योंकि मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है शेयर में, तो यहाँ पे तेजी बनना चाहिए, शेयर में गिरावट बन रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते सुजलन शेयर का प्राइस जो है लगभग 4.98% सर्ज हुआ था, जो की शेयर का प्राइस 43.20 पैसे तक पहुंच गया था। एंड यहाँ पे देख सकते कि एंडेड जो इसका डे ट्रेडिंग हायर था नेशनल मतलब एनएससी में 43.35 पैसे के आसपास था। तो अभी सुजलन एनर्जी का थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, जो बताया जा रहा है टारगेट वगैरह जो है सुजलन एनर्जी का टारगेट प्राइस वगैरह क्या है। तो आप देख सकते हैं सुजलन शेयर प्राइस जो है सर्च 4.98% 2 रुपीज 43.20 ड्यूरिंग जो इसका ट्रेडिंग सेशन था कुछ दिन पहले का, तभी तो अभी यहाँ पे एट एन इंटरडे हायर प्राइस जो की 45.35 पर शेयर बाय 1.29% जो इसका काउंटर बिट था वो शेयर का प्राइस बढ़ गया था। तो अभी सुजलन एनर्जी का देख सकते हैं ये जो प्रोवाइडर है, मतलब द प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ईडीएफ रिन्यूएबल्स फॉर ए 30 मेगावाट
विंड पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स व्हिच कॉस्ट, जो इसका बोल सकते कि ड्रामेटिक इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइस। तो सुजलन एनर्जी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अभी देखते हैं, तो उसके बाद ही बोल सकते कि शेयर में एक तेजी बना। भी गुजरात से जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, गुजरात से जहां पे देख सकते कि ईच हैविंग ए रेटेड, जो है रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट्स एंड बोल सकते हाइब्रिड जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टावर का है, अभी सुजलन एनर्जी का थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, जो इसके इन्वेस्टमेंट वगैरह है कंपनी को लेके। देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, सुजलन विल कैरी आउट द प्रोजेक्ट विद ए स्कोप दैट इंक्लूड सप्लाई, सुपरविजन, कमीशनिंग, पोस्ट कमीशनिंग एंड मेंटेनिंग जो सर्विसेस है वो यहाँ पे देखेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है सुजलन एनर्जी का दोस्तों बात करते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट का देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वुड प्रोवाइड गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एंटिसिपेटेड दैट द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस एनुअल CO2 जो एमिशन है बाई 97,000 टन्स एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू ओवर 24,000 families, गुजरात के फैमिलीज को जो है यहाँ पे अच्छा खासा बोल सकते कि इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ये प्रोजेक्ट मिला है सुजलन एनर्जी को गुजरात गवर्नमेंट की ओर से। तो सुजलन एनर्जी के शेयर के प्राइस में बोल सकते कि एक तेजी बना था और शेयर का प्राइस अभी यहाँ पे गिरावट बना रहा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है सुजलन एनर्जी को गुजरात गवर्नमेंट से, सुजलन एनर्जी के शेयर में जो एक तेजी बनना चाहिए था, लेकिन शेयर में जो है बोल सकते कि गिरावट बन रहा है। देखिए बहुत सारी चीज चलता है जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी शेयर हम लोग खरीद लेते हैं और उसमें कुछ अपडेट्स वगैरह आता है, तो वहां पे ऐसे भी इन्वेस्टर्स है जो लोग शेयर को सेल करते हैं। सुजलन एनर्जी का शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं अराउंड 50 डे ऐसे में जो कि अभी देखने को मिल रहा है। सुजलन एनर्जी जो है स्टॉक्स का देख सकते हैं होबिंग जो इसका अराउंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड जो कि इसका प्राइस लेवल है 43 रुपीज का एंड विद ए पॉजिटिव बेसिस ऑफ सस्टेन्ड अबाउ दिस लेवल एंड ए पोटेंशियल ड्रॉप टूवर्ड्स जो कि 35 है मोमेंटियम फेल्स द स्टॉक नीड्स टू जो कि यहाँ पे बोलते कि एब्जॉर्ब सेलिंग प्रेशर अराउंड ₹50 मार्क ऑफ जो इसका बोलते कि रिकैप्चर लॉसिंग ब्लास्ट है। तो यहाँ पे सुजलन एनर्जी के शेयर के प्राइस में हमें लगता है कि थोड़ा गिरावट बनने दीजिए, गिरावट के बाद यहाँ पे एक बार तेजी बनेगा, फिर एक बाउंस बैक बनेगा, तभी खरीदारी कर सकते हैं। सुजलन एनर्जी को जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जो बोल सकते कि विंड पावर का एक प्रोजेक्ट मिला था EDF रिन्यूएबल गुजरात से, जो अभी हम लोगों ने बात किया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी टू ओवर 24,000 हाउस होल्ड को जो यहाँ पे लोग सप्लाई करेगा सुजलन एनर्जी को। तो अभी यहाँ पे सुजलन एनर्जी का डेप्ट जो है उसको लेके बात करते हैं, जो कि 30.54 बिलियन जो है यहाँ पे इन लोगों ने डेप्ट जो है रिड्यूस किया है कंपनी ने। सुजलन एनर्जी जो है डेप्ट रिड्यूस फ्रॉम 32.0 बिलियन टू ₹1.46 बिलियन ईयर में ईयर विथ नेट कैश जो कि 647.3 मिलियन का एंड फ्रेश कैश फ्लो ऑफ ₹91% ऑफ EBITDA जो कि ओवर द लास्ट 3 इयर्स का है। तो कंपनी यहाँ पे सुजलन एनर्जी इसका डेप्ट वगैरह भी देख सकते हैं, जहां पे एक अच्छा खासा जो है डेप्ट को इसने कम किया है। सुजलन एनर्जी का शेयर का प्राइस यहाँ पे देखते हैं थोड़ा डिटेल में, जहां पे प्राइस जो है करेक्ट बाई 16% फ्रॉम ऑल टाइम हाई जो कि 16 फेब को इसने किया था। तो शेयर के प्राइस में भी एक करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद शेयर में तेजी बना और शेयर अभी फिर से एक बार गिरावट बना रहा है। सुजलन एनर्जी का जो ऑर्डर बुक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड सुजलन एनर्जी का ऑर्डर बुक में देखते हैं तो लगभग जो 3,157 मेगावाट है एंड प्लान्स टू एड 26 गीगावाट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो कंपनी का सुजलन एनर्जी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे चल के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है कंपनी का जो ऑर्डर बुक है। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे देखते हैं सुजलन एनर्जी का जो शेयर का प्राइस है दोस्तों, अभी जो तेजी बना है और जहाँ पे बोल सकते कि बहुत सारे देख सकते यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से अपडेट देखने को मिल रहा है सुजलन एनर्जी लेके लेके बहुत सारी चीज चल रहा है, जहाँ पे 3 क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर्स का हम लोग बात करते हैं सुजलन एनर्जी का, जहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 109 करोड़ से बढ़ के 203.04 करोड़ का हुआ है, जो कि एक एवरेज में देखते हैं तो पर क्वार्टर 25.5% इसका प्राइस बढ़ गया है, मतलब प्राइस नहीं माफ कीजिए जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो बढ़ गया है। वही दोस्तों बात करते हैं रेवेन्यू का जो है सुजलन एनर्जी का, पिछले 3 क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं जो कि 1.36,000 करोड़ से बढ़ के 1,056,000 करोड़ हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं पर क्वार्टर एवरेज देखते तो 6.6% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है सुजलन एनर्जी का। तो अभी यहाँ पे जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उसमें से ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है
कि स्विट्जरलैंड एनर्जी के शेयर में हम लोग बाय करके चल सकते हैं, मतलब 100% बोल सकते हैं कि उन लोग का मानना 100% शेयर मार्केट के एनालिस्ट का मानना है कि स्विट्जरलैंड एनर्जी के शेयर में बाय करके चल सकते हैं। आपको कैसा लगता है दोस्तों स्विट्जरलैंड एनर्जी का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।